अपना विदेश जान का सपना पूरा करना चाहते हो ता आज ही मिलो फरीद इमिग्रेशन कंसल्टेंट मंडी डबवाली दे इमिग्रेशन प्रोफेशनल मिस्टर अक्षय शर्मा नु फरीद इमिग्रेशन कंसल्टेंट आईएलएस एंड वीजा सर्विसेज डबवाली विखे सब तो खास गल फरीद इमिग्रेशन विखे एक क्लास विच सिर्फ 15 स्टूडेंट्स नु ही पढ़ाया जाता है रिफ्यूजल केस एक बार सलाह ले जरूर मिलन वधेरे जानकारी ले आज ही मिलो फरीद इमिग्रेशन कंसल्टेंट आईएलएस एंड वीजा सर्विसेज दिल्ली बेरिंग स्टोर दे नाल गोल चौक मंडी डबवाली चौटाला में 12वें दिन भी बिजली घर में किसानों की महापंचायत रही बेनतीजा धरना रहेगा जारी। जानकारी देते हुए कामरेड राकेश फगोड़े ने बताया कि लगातार 12वें दिन भी बिजली घर चौटाला का घेराव जारी है। बिजली विभाग के अधिकारी बात सुनने को राजी नहीं है, इसलिए इन जन संगठनों की एक पंचायत का आयोजन किया गया था। बिजली घर में भवन निर्माण कामगार यूनियन से नथुराम भारूखेड़ा, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन से सोहनलाल भारूखेड़ा, हरियाणा किसान मंच से प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, भारतीय किसान एकता से प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह, हरियाणा किसान एकता से गुरप्रेम सिंह देसुजोदा, राजस्थान से किसान सभा हनुमानगढ़, टिब्बी क्षेत्र संघर्ष समिति के नेता व भारतमाला संघर्ष समिति के नेता सहित तमाम जन संगठनों के नेता मौजूद रहे। दोपहर बाद बिजली विभाग के एसडीओ तहसीलदार एसएचओ के साथ वार्ता हुई, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वार्ता का कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। बिजली विभाग के एसडीओ ग्रामीण लाइट से उन ढानियों को नहीं जोड़ना चाहते। एसडीओ ने कहा कि भारूखेड़ा एपी पर एक बड़ा ट्रांसफार्मर रख देंगे जिससे वोल्टेज की समस्या नहीं आएगी, जिस बात को वार्ता में गए किसान नेताओं ने सिरे से नकारते हुए कहा कि जब 8 पोल पर एक 25 केवी के ट्रांसफार्मर से आप लाइट की व्यवस्था कर सकते हो तो ढानियों से केवल मात्र 6 एकड़ लाइट दूर है तो आपका विभाग क्यों नहीं करना चाहता, जिसका एसडीओ व तहसीलदार कोई भी जवाब नहीं दे पाए। वहीं पर वार्ता विफल होने के बाद तमाम जन संगठनों ने फैसला किया है कि आने वाली 16 जुलाई यानी शुक्रवार को एक विशाल किसान महापंचायत का फिर से आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज मुकाबला करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि शुक्रवार को होने जा रही किसान महापंचायत के लिए कल से ही जिले में जनसंपर्क शुरू किया जाएगा। वह महापंचायत में जिले के सभी गांवों के तमाम किसान, नौजवान, माताएं, बहनें व पड़ोसी राज्य राजस्थान व हनुमानगढ़ गंगानगर से बड़ी संख्या में किसान, मजदूर, नौजवान भागीदारी करेंगे। वहीं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने वाली सरकार का इन से जवाब वे पत्थर से देंगे। लोकतंत्र में लटतंत्र सहन नहीं होगा और इस किसान पंचायत को किसान नेता राकेश बिश्नोई, किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा सहित तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहे हैं। इस मौके पर पहुंचे किसानों का क्या अब आगे का रुख रहेगा, इसको लेकर तमाम प्रतिक्रिया हमारे पास पहुंची है, वो आपको सुनवाते हैं कि आगे 16 तारीख की रणनीति क्या रहेगी। आज चौटाला बिजली घर के अंदर धरना लगा हुआ, उसको 12 दिन हो गए और बड़े शर्म की बात है कि ये चौटाला गांव का ही बिजली मंत्री है, चौटाले गांव से ही जो डिप्टी सीएम है वो भी इसी गांव से है और इनके गांव के लोगों को आज बिजली की मांग को लेकर यहां पे धरना लगाना पड़ रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। आज दिन भर यहाँ पर पंचायत चली, सभी किसान संगठन यहाँ पर पहुँचे हैं, आज इनको अल्टीमेटम दिया है शुक्रवार तक का और शुक्रवार को फिर यहाँ पर बड़ी पंचायत जो की जाएगी। अगर ये शुक्रवार तक इस बिजली की समस्या का हल करते तो ठीक है, वरना यहाँ पे बहुत बड़ी पंचायत की जाएगी और इस आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा, जिसके जिम्मेवार यहाँ के डिप्टी सीएम और ये इस गांव के बिजली मंत्री रणजीत सिंह है, वो उसके जिम्मेवार होंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चौटाला गांव में 12 दिन से जो बिजली की समस्या को लेकर धरना चल रहा है, उस धरने का कोई जो आज प्रशासन के साथ बातचीत की गई उसका कोई हल नहीं हुआ, तो शुक्रवार को जहाँ पर महापंचायत रखी गई है, जिसकी लंगर पानी की व्यवस्था कालांबाड़ी हलके से होगी और सभी किसान मजदूर भाइयों से अपील करते हैं कि शुक्रवार को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चौटाला बिजली घर में पहुँचने की कृपालता करें। नमस्कार साथियों, जय जवान जय किसान। सभी साथियों से हाथ जोड़कर अपील की जाती है कि शुक्रवार को चौटाला गांव में जो प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का बिजली के रिलेटेड कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही, शुक्रवार को चौटाला गांव में महापंचायत हो रही है, तो सभी साथियों से हाथ जोड़कर अपील है कि शुक्रवार को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने हकों और सच की लड़ाई को जीतने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शुक्रवार को चौटाला गाँव बिजली घर में पहुँचें जी। चौटाला बिजली घर का आज लगातार 12वें दिन आशाखेड़ा की ढाणियों में लाइट की मांग को लेकर चौटाला संगरिया रोड पर हनुमान मंदिर के पास एक 100 केवी का ट्रांसफार्मर रखने की मांग को लेकर घेराव जारी रहा। आज कई जन संगठनों ने मिलकर एक किसान पंचायत का आयोजन किया था, जिसमें हमारे हरियाणा से हरियाणा किसान मंच, हरियाणा किसान एकता डबवाली की टीम, भारतीय किसान एकता की टीम,
ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन, भवन निर्माण कामगार यूनियन, आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन व सीआईटीयू से संबंधित तमाम ट्रेड यूनियनों के साथी पहुंचे। इनके साथ साथ हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान से टिब्बा क्षेत्र संघर्ष समिति, भारतमाला संघर्ष समिति व अन्य कई जन संगठनों के नेता हमारे बीच पहुंचे। बिजली विभाग के साथ हमारी वार्ता हुई। वार्ता के अंदर प्रशासन की तरफ से तहसीलदार, बिजली विभाग के एसडीओ, सदर थाना एसएचओ थे, जिन्होंने कहा कि आपकी ढाणियों में लाइट बारूखेड़ा एपी ट्यूबवेल की जो लाइन आई हुई है उससे आपको दे देते हैं और वहां पर एक ट्रांसफार्मर रख दिया जाएगा जिससे वोल्टेज की समस्या नहीं आएगी। लेकिन किसान नेताओं ने इस बात को सिरे से नकारते हुए कहा कि हमारी डाणियों में आप 8-10 पोल की व्यवस्था करके, एक 25 केवी का ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करके आप लाइट की व्यवस्था करने का काम करें, जिस बात को बिजली विभाग के अधिकारियों ने नहीं माना। हम तमाम साथियों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है कि आने वाली 16 तारीख को वार शुक्रवार को बिजली घर चौटाला के अंदर एक किसान महापंचायत होगी, जिसमें हरियाणा से, राजस्थान से और पंजाब से हमारे अगवा किसान साथी पहुंचेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता पहुंचेंगे, जिला सिरसा से किसान सभा और सीआईटीयू से संबंधित तमाम ट्रेड यूनियनों के साथी, अन्य तमाम इन जन संगठनों के साथी पहुंचेंगे और बिजली विभाग व राज का डटकर मुकाबला करेंगे। ना झुकेंगे, ना डिगेंगे, ना बिकेंगे, अंतिम सांस तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद।